नमस्कार साथियों, चले जाने थे आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उससे पहले आप भी वीडियोस को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिल्ली पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल, स्पेशल कमिश्नर लेवल पर अधिकारियों के हुए तबादले। दिल्ली पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल हुए हैं। स्पेशल कमिश्नर EOW नुजरम हसन को स्पेशल CP HRD बनाया गया। नीरज ठाकुर को दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का MD बनाया गया। देवेश श्रीवास्तव को स्पेशल कमिश्नर क्राइम ब्रांच, जयपाल सिंह को सिक्योरिटी और अजय चौधरी को ट्रैफिक जोन, शरद अग्रवाल को स्पेशल CP EOW और छाया शर्मा को स्पेशल CP ट्रेनिंग डिवीजन बनाया गया। CBI ने MCD पर कसा शिकंजा, 4 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। CBI ने 2 अलग अलग मामले में MCD के 2 बेलदार और 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में निहाल विहार इलाके में शिकायतकर्ता से अवैध कंस्ट्रक्शन के नाम पर नॉर्थ MCD के बेलदार और मेड कर्मचारियों ने 70,000 रुपये की घूस की मांग की थी और 65,000 रुपये पर रजामंदी हुई। रंगे हाथों रिश्वत लेते दोनों कर्मचारियों को CBI ने मौके पर धर दबोचा गया। भारत की अपने नागरिकों से सलाह, कहा लेबनान से तुरंत निकले। बेरूत में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को लिए एडवाइजरी जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि लेबनान में रह रहे सभी भारतीय देश से फौरन निकले। जो नागरिक किसी कारण वर्ष वह रह रहे हैं वो लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क में बने रहे। CM धामी ने रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। PM मोदी ने सर्वपल्ली कुसाले को दी बधाई। पेरिस ओलंपिक में 5 मेडल जीतने पर PM मोदी ने सर्वपल्ली कुसाले को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सर्वपल्ली कुसाले का असाधारण प्रदर्शन, कुसाले ने 50 मीटर राइफल शूटिंग में 5 मेडल जीता है। वायनाड के चूरमाला में भूस्खलन स्थल पर पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी। लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाडा वायनाड के चूरमाला में भूस्खलन स्थल पर पहुंचे, जहां 30 जुलाई को भूस्खलन हुआ था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है, जबकि मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है। पेरिस ओलंपिक में भारत को 3रा मेडल। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 3रा मेडल जीता है। सर्वपल्ली कुसाले ने 50 मीटर राइफल शूटिंग में 5 मेडल जीतकर अपना कब्जा जमाया। भारत और वियतनाम के बीच MOUs पर हस्ताक्षर। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के PM फाम मिन चिन को मौजूदगी में भारत और वियतनाम के बीच MOUs पर हस्ताक्षर किए गए। वायनाड में जो हुआ वह बहुत ही बड़ी त्रासदी है, DMK सांसद का कहना। DMK सांसद Tiruchi N. शिवा ने वायनाड भूस्खलन पर कहा है कि हमें हर घटना से सीखना चाहिए। वायनाड में जो हुआ वह बहुत बड़ी त्रासदी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। केंद्र सरकार को जो राज्य सरकार साथ समय में हर कदम की योजना बनानी होगी, अच्छी चीज़ों के लिए उन्हें एक साथ आना होगा, समन्वय करना होगा और लोगों के हित के लिए काम करना होगा। इसीलिए जिम्मेदारी दोनों की ओर है। केंद्र में होने के कारण केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है। हिमाचल में बादल फटने से तबाही, NDRF की 14 टीमें तैनात। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना पर NDRF के DGIG मोहसिन शाहिदी ने बताया कि NDRF की करीब 14 टीमें हिमाचल प्रदेश में तैनात की गई है। कुल्लू मंडी शिमला में बादल फटने की 3 घटनाएं सामने आई। आज सुबह ही हमारी 2 टीमें मंडी के लिए तैनात की गई। कुल्लू में भी भारी बचाव कार्य किया जा रहा है। रामपुर में भी बादल फटा है, वहाँ 6 लोगों को जाया गया, 3 लोगों की मौत हुई है और 52 लोग लापता है अभी भी। MBCC के DGM रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार। MBCC के DGM वरुण पोपली रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इनको CBI ने उन्हें अरेस्ट किया है। पोपली पर 5 लाख रुपए का देने का आरोप है। अंदर संसद लीक हो रही है और बाहर पेपर लीक हो रहे हैं। संजय सिंह का बड़ा हमला।
आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अंदर संसद लीक हो रही है और बाहर पेपर लीक हो रहा है। एक्सप्रेस वे बह रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, अटल सेतु में दरार आ रही है। संसद भवन के अंदर जिन कंपनियों ने काम किया उन्होंने भाजपा को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए कितना चंदा दिया इसकी जाँच होनी चाहिए। 3.2 लाख करोड़ का ठेका उनको दिया गया जिनको इनको चंदा दिया। झारखंड रांची में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। रांची में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायक राज्य सरकार और सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ कुन्नूर पहुंचे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाडा के साथ कुन्नूर पहुंचे। दोनों कांग्रेस नेता वायनाड के पफीडोती से मुलाकात की पहुंचे। वायनाड में बारिश और लैंडस्लाइड से मची तबाही, अब तक 256 लोगों की मौत हो गई थी। हिमाचल प्रदेश शिमला के रामपुर में फटा बादल, 50 लोग लापता। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट किया कि शिमला की रामपुर तहसील मंडी जिले की पदर तहसील और कुल्लू के गांव जाहून निरमंड में बादल फटने से 50 से अधिक लोगों के लापता होने का अत्यंत दुख है। समाचार मिला एनडीआरएफ एसडीआरएफ पुलिस